किस्मत से गरीब पर टैलेंटेड और हैंडसम लकी को जब दिल्ली के टॉप कॉलेज में अच्छे मार्क्स की वजह से एडमिशन मिला तो उसने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ की सबसे खूबसूरत लड़की रिया उससे प्यार करने लगेगी। रईसजादी रिया को एक गरीब लड़के के साथ घूमते देख सबको हैरानी हुई। कॉलेज में गॉसिप थी कि रिया और वरुण का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। वरुण खुद एक बड़े बिजनेसमैन का बेटा था। रिया लकी को एक आलीशान होटल में डिनर पर ले जाने का प्लान बनाती है। लकी भी सोचता है कि वो उसके लिए एक बढ़िया सा तोहफा ले जाएगा। बतौर डिलीवरी बॉय काम करके महीने भर में जो पैसे उसने बचाए थे उससे वो रिया के लिए एक डियो ले लेता है। दोस्त से उधार लेके किराए पर एक टेलर से शर्ट पैंट भी ले आता है। लकी के दोस्त उसे समझाते हैं कि रिया जैसी नकचड़ी लड़की कभी उससे सच्चा प्यार नहीं कर सकती। लकी उनकी बातों को सुनने से इनकार कर देता है। शाम को रिया 5-स्टार होटल पहुंचती है तो देखती है कि लकी लॉबी में उसका वेट कर रहा है। रिया को देखते ही होटल का स्टाफ किसी को फोन घुमाता है। वहाँ लकी रिया को जब गिफ्ट देता है तो रिया जोर जोर से हंसने लगती है। इतने में ही पीछे से वरुण आ जाता है। तुम सही कहती थी बेबी, तुम्हारी जेलसी टेस्ट तो मैं फेल कर गया। जेलसी टेस्ट? ये क्या मजाक है रिया, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो या इसकी? लकी ने कहा। ओए गरीब, मेरे ही होटल में खड़े रहकर मेरी ही गर्लफ्रेंड से सवाल करता है, वरुण चिल्लाया। लकी रिया की चाल को देख हैरान था। रिया ने लकी से कहा, मैं गर्लफ्रेंड तो जरूर थी पर 2 दिन की दिखावे वाली गर्लफ्रेंड। वैसे अगर वरुण ये टेस्ट हार जाता तो मैं तुझसे इतनी जल्दी ब्रेकअप ना करती। यहाँ तो मैंने रूम भी बुक किया है पर वरुण के साथ। और सुन, ये सस्ता डियो ले जा, कोई महंगा परफ्यूम देगा तो शायद 1-2 दिन और तेरी गर्लफ्रेंड बनने का नाटक कर लूं। इसके तुरंत बाद वरुण के गार्ड्स ने लकी को होटल के बाहर फेंक दिया। लकी के ही कॉलेज में पढ़ने वाली पूजा ने लकी से अपने प्यार का इजहार किया। लकी के गुड लुक्स की वजह से पूजा भी लकी से प्यार करने लगी। पूजा जो कि एक बड़े घर से थी, उसके शौक काफी महंगे थे। लकी चाहकर भी उसके नखरे उठा नहीं सकता था। शुरुआत में तो प्यार में पूजा को इस सबसे कोई फर्क नहीं पड़ा, पर धीरे धीरे पूजा की असलियत सामने आने लगी। पूजा की सहेलियों ने कई बार उसे लकी के साथ घूमने से मना किया। खुद पूजा भी उसकी गरीबी से तंग आ गई थी। उसे लकी से सिर्फ प्यार नहीं, महंगे तोहफे और हाई क्लास लाइफस्टाइल चाहिए थी। जहां पूजा जाना चाहती वो लकी अफोर्ड नहीं कर सकता था। और लकी के सादी जिंदगी में पूजा को जरा भी मजा नहीं आता। एक दिन पूजा ने जिद कर लकी को एक ऐसे रेस्टोरेंट में चलने के लिए कहा जहां पर दिल्ली की सिर्फ बड़ी हस्तियां ही जाती थी। इस महंगे रेस्टोरेंट में पूजा ने अपनी सारी सहेलियों को भी इन्वाइट किया। उसने लकी से कहा कि वो एक नए डॉग को अडॉप्ट कर रही है, इसीलिए ये सबको ट्रीट देना चाहती है। उस रोज शाम को पूजा और उसकी सहेलियां पहले से ही रेस्टोरेंट में बैठी हुई थी। जब लकी वहां आया तो गार्ड्स ने उसे रोक दिया। उसने बहुत ही नॉर्मल से कपड़े पहने हुए थे। लकी को बाहर देख पूजा ने गार्ड्स को उसे अंदर छोड़ने का इशारा किया। पूजा और उसकी सहेलियों ने ढेर सारा खाना ऑर्डर किया। वहीं लकी ये सोचकर कुछ ऑर्डर नहीं कर रहा था कि बेवजह पूजा के पैसे खर्च हो जाएंगे। जब वेटर बिल लेकर आया तो पूजा ने लकी को साइड में ले जाकर कहा, सुनो लकी, मैं अपना पर्स भूल आई हूँ और अपने मोबाइल से पेमेंट मैं कर नहीं सकती, इसके पैसे तुम दे दो। लकी को मानो 440 वोल्ट का झटका लगा हो। मैं अभी कहाँ से दूँ पैसे पूजा, इसके लिए मुझे किसी से उधार लेना पड़ेगा, ये सब मेरी हैसियत से बाहर है, लकी ने कहा। सही कहा तुमने, तुम्हारी हैसियत नहीं है, पूजा चीखने लगी। उसकी सहेलियों ने तभी वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अच्छा पूजा, तो ये वो तेरा पालतू कुत्ता है जो तेरे टुकड़ों पे पल रहा है, उसकी एक सहेली ने कहा। लकी ने गुस्से में कहा, सुनो, मैंने आज तक पूजा से कोई खर्च नहीं किया, सब जगह बराबर पैसे मैंने भी दिए हैं। लकी, मुझे कोई चाहिए जो मेरे शौक पूरे करे, ना कि जो बराबरी के पैसे भरे। आज से हमारा ब्रेकअप और पैसे ना होने का सारा ड्रामा मैंने सिर्फ इसलिए किया था ताकि तुझे खुद तेरी हैसियत पता चले, मेरे अडॉप्टेड कुत्ते। एग्जाम्स नजदीक आ रहे थे और सब जानते थे कि लकी पढ़ने में कितना तेज है, खासकर प्रिया। पिछले कुछ दिनों में प्रिया और लकी काफी नजदीक आ गए थे। दोनों लेट नाइट इंडिया गेट घूमने जाते और प्रिया को लकी के साथ स्ट्रीट फूड खाना काफी पसंद था। प्रिया वैसे तो एक साधारण से परिवार से थी पर उसकी एम्बिशन, उसकी महत्वाकांक्षा काफी बड़ी थी। प्रिया लकी को देर रात काफी मैसेजेस करती। लकी को भी ये सब अच्छा लग रहा था। देर रात स्टडी के बहाने प्रिया ने लकी को लाइब्रेरी में बुलाया और उसके करीब आने की कोशिश की और उसे बताया कि वो उससे प्यार करती है, पर अगर वो फेल हो गई
तो उसके पापा कॉलेज छुड़वा कर किसी और के साथ उसकी शादी कर देंगे। और अगर लकी उसके असाइनमेंट्स कर दे तो कम से कम उसके पासिंग मार्क्स तो बन जाएंगे। लकी इस बात के लिए तैयार हो गया। एग्जाम्स खत्म हुए और उसके अगले ही दिन जब प्रिया और लकी एक कॉफी शॉप में बैठे थे, प्रिया अपना फोन छोड़ वॉशरूम गई और तभी उसके फोन पर मैसेज नोटिफिकेशन आया जिस पर लिखा था, आई लव यू टू, थैंक यू फॉर द असाइनमेंट। ये मैसेज लकी के ही दोस्त अजय ने प्रिया को किया था। लकी से रहा न गया और उसने देखा कि काफी महीनों से अजय और प्रिया का रोमांस चल रहा है और एग्जाम्स पास करने के लिए उन्होंने लकी का इस्तेमाल किया। प्रिया जैसे ही वापस आती है, लकी उसे मोबाइल पर आए उस मैसेज के बारे में पूछता है। अच्छा हुआ तुमने खुद ही देख लिया, आज मैं तुम्हें बताने ही वाली थी, सोचा तरस खाकर तुम्हारे साथ एक दिन और गुजार लूं, प्रिया ने कहा। लकी ने रोते हुए कहा, तो तुम मुझसे प्यार नहीं करती? माना मैं मिडिल क्लास हूँ, पर तुम्हारे साथ रहूंगी तो और लोअर क्लास बन जाऊंगी। और वैसे भी अजय अब मुझे प्रपोज कर चुका है, वो मित्तल परिवार का वारिस है, बिजनेसमैन राकेश मित्तल का बेटा, लाइफ सेट है मेरी। तुम्हें प्यार करती थी पर अब नहीं, अब एग्जाम्स खत्म, मुझे तुम्हारी क्या जरूरत, प्रिया ने हंसते हुए कहा। जैसे ही प्रिया ने कॉफी का सिप लिया, लकी ने किसी को मैसेज किया। इसके बाद लकी ने अपने कार्ड से प्रिया की कॉफी का बिल भरा। ओ तो लक्ष्मण लाल अग्रवाल तुम्हारा पूरा नाम है, बताओ तुम्हारा तो नाम भी कोई नहीं जानता। लकी वहाँ से उठ ही रहा था तभी प्रिया को फोन पर न्यूज फ्लैश हुई, राकेश मित्तल हुए दिवालिया, अब लक्ष्मण लाल अग्रवाल होंगे नए मालिक। प्रिया लकी को जाते हुए देखती है, लकी वेटर के लिए 2000 की टिप छोड़ जाता है। ऐसा क्या किया लकी ने जो बन गया वो सीधे मालिक? क्या लकी है कोई गुंडा या कोई मिलियनेयर? इंस्टा मिलियनेयर में क्या आगे भी मिलेगा लकी को प्यार में धोखा? ये सब जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक को क्लिक कीजिए और सुनिए इंस्टा मिलियनेयर की पूरी कहानी। लकी की ये कहानी जितनी इंटरेस्टिंग है उतना ही इंटरेस्टिंग है ये प्रोमो जहां रोहन मेहरा ने निभाया है लकी का किरदार। तो वीडियो पे अभी क्लिक करो मेरे यार और खो जाओ इंस्टा मिलियनेयर की दुनिया में।